तेल नमक मिर्चाई लगा के कब चलेगा? टीवी पर देखिए, देगा चिराग पासवान मानसिक रूप से बच्चे हैं, वो रामविलास पासवान के बेटे थे, उनको चाहिए था नीतीश कुमार से टकराना नहीं। आप कल सदन में उठाए थे, क्या उसमें अब तक आया, क्या मामला था? अरे खरने धार जो है ना, तो खरने धार तो वही तो जल निकासी है ना बच्चा का, उसी को इनक्रोच कर दिया, या खरने धार का जमीन जो सरकारी है उसमें 25-30 फीट करके और 25-30 फीट चौड़ा ऐसे करके घर बना लिया है, तो खरने धार समाप्त है। यही बोले कि उसको ठीक कीजिए, इधर उधर जो आप जल नल क्या कहता है जल जीवन हरियाली वाली बात करते हैं, तो उस मकान को तोड़िए और वहाँ पर रोड टहलने के लिए बनाइए, पार्क बनाइए, ये बनाइए, खूबसूरती नवगछा का बढ़ेगा। इसलिए ये मैंने विधानसभा में उठाया। क्या जवाब आया सर? जवाब आया कि टूटेगा। कितने दिनों में अंदाज़ा? क्या उम्मीद अब कितने दिन में हम क्या कहेंगे, सरकार ने तोड़ेगी जी सर। और सर बाजार खरने के अलावा पूरे बाजार जो है वहाँ भी अतिक्रमण है, छोटा छोटा बाजार रोड पे दुकान लगाता है, 4-5 बार नौपी हो चुका है। वो सब गरीब गुरबा सब है। बात ये है, ये SDO साहब या पुलिस महकमे के लोग चाहे रेलवे वाले में मार्केट लगा, रेलवे वाले मार्केट लगा तो एक बार टूट गया मार्केट या कोरोना के समय काल में, फिर इधर उधर, और फिर SDO साहब तो IS हैं, वो फिर हटा के हम बोले थे एक जगह करेंगे मार्केट को, तो इनक्रोच खत्म हो गया। वो तो गरीब आदमी है, कहीं भी दुकान के आगे टोकरी लेके बैठता है, उस पर क्या चर्चा किया जाए। खरने धार टूटेगा इसमें दूंगा सर। सरकार लगातार UP चुनाव सरकार में जीत गई, मणिपुर में JDU का 6 सीट आया, इस पर क्या करना है UP और सब चुनाव में? अरे हमारा भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, प्रधानमंत्री मजबूत है, मणिपुर में हमारी JDU 6 सीट ले आए, हम लोग मजबूत हैं इसलिए लाते हैं। अब बाकी कोई दल टिकने वाला नहीं है। मुकेश सहनी का इस्तीफा मांगा जा रहा है सर, ये सदन में UP में जो चुनाव लड़ रहा था। अब देखिए हम सुनबो नहीं किया, मुकेश सहनी से इस्तीफा मांग रहा है, आप लोग पत्रकार हैं जानकारी होगी, हमको जानकारी नहीं है। अगर उस लायक नहीं होंगे, कोई गलती किए होंगे, तो बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने इस्तीफा तो मांग ही सकता है। भागलपुर बम ब्लास्ट के मामले में फिर पुरानी बात को दोहराते हैं, भागलपुर में जो भी मुस्लिम मोहल्ले में वो घटनाएँ घटी, वह पटाखा नहीं था, वह बम था, बड़ा अंजाम देता। अब बम बढ़िया बढ़िया बम बनाए का वह शस्त्र भी वहाँ पर था। नवगछिया में 57 पेटी पटाखा पकड़ाया है। जरूर नवगछिया में पकड़ा, पटाखा नहीं लोग रखेगा, अनलीगल पटाखा से पटाखा से कहीं घर टूटता है, अनलीगल तरीके से रखा गया था। ये बात है अनलीगल तरीके, सजा मिलेगा उसको। क्या लगता है कोई कनेक्शन है भागलपुर बम ब्लास्ट मामले में? कनेक्शन कितना पूछते हैं, अंजाम तो लोग देता ही बुरा अंजाम, कहीं भीड़ भड़क का देखता कुछ करता या किस लिए लाया था, इतना तो हम नहीं जान सकते हैं, सुने सुनाई बात को हम बोल रहे हैं जी। सर सरकार अब ड्रोन और हवाई जहाज से शराब को खोज रही है, इस पर एकदम कोई नहीं बचेगा, दारू कहीं एक बूंद नहीं मिलेगा, ड्रोन से खोज रही है, ड्रोन में चिप से अति लगा हुआ है, क्या बोलते हैं कैमरा GPS, वो जहाँ दारू देखता है उस टाइप का माहौल है, तो वहीं पर गिरता है। भागलपुर में भी गिराया था, भागलपुर में गिरा दिया पॉलिटेक्निक कॉलेज के बगल में, लेकिन पता नहीं चला, मुसहरी में गिराया तो दारू पकड़ा गया, तो पकड़ ही लेगा। हेलीकॉप्टर भी सरकार ला रही है, सब कुछ ला रहा है, दारू बंद करने के चक्कर में मुख्यमंत्री बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बंद होना चाहिए, इसलिए बंद होना चाहिए। अभी देखिए पहले जो दारू पीता था रोडे पर टहलता था, धक्का धुक्की भला आदमी के चलना, अब तो इतना बात है चुरा के अगर पीते हैं तो हल्ला तो नहीं करता है, घरों में पीता सर डरे रहता है जी सर, डर के रहता है तो अच्छा काम है सर। लेकिन दारू पे इतना एक्टिव है सरकार, लेकिन और जो क्राइम हो रहा है, अपराध, लूट, हत्या, डकैत, खगड़िया में मदन महंगे लूट गया, आए दिन क्राइम हो रहा है। अरे क्राइम को कोई रोक सकता है? कितना कौन रोकेगा, सरकार क्या करेगा, पुलिस महकमा क्या करेगा? अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं DSP साहब भीतर में, अल्लाह पर थप्पड़ चल रहे, रोक ले तो नहीं रोक पाएगा। ये तो जब तक आदमी का मानसिकता नहीं बदलेगा तब तक तो ये सब होते रहे। बम ब्लास्ट होने के बाद सर प्रशासन एक्टिव होती है, अगर इससे पहले अगर एक्टिव रहती तो ये नहीं। प्रशासन हर वक्त एक्टिव रहता है जी। नहीं अभी ये 10:11 बजे बैठे हुए हैं, कितना बज रहा है जी सर, बाल बच्चा है कि नहीं, एक्टिव नहीं तो कहीं फोन होता है तुरंत जाते हैं, पकड़ते हैं, धकड़ते हैं, दारू वाले को पकड़ते हैं। ये भागलपुर में ये एक क्या कहा जाए, इंडिका गाड़ी पकड़ा गया दारू, मेरे सामने में पकड़ा 0 माइल थाना, तो पकड़ ही रहा है, भागने दे रहा है थोड़ो। सब विरोध क्राइम पर तो काबू करने के लिए तैयार है,
अब मन ही बदल गया है मनुष्य का, क्या कीजिएगा, तब में जान जाता है आता है वो सजा यहाँ होते। कल चिराग पासवान आया बोला कि सरकार टिकने वाली नहीं है, बीजेपी जो है इसको धक्का मार के निकाल लेगा। चिराग पासवान मानसिक रूप से बच्चे, वो रामविलास पासवान के बेटे थे, उनको चाहिए था नीतीश कुमार से टकराना। उन्हें नीतीश कुमार को कहता चाचा आपको प्रणाम करते हैं, हमारे पिताजी मर गए, आप हमारे चाचा हैं, राजनीति गुरुजी बनिए, हमको कैसे आगे ले चलेगा, ये काम कीजिए, ये करना चाहिए। तो भीड़ गया आला कमान से, नीतीश कुमार से कम आदमी है क्या, तो उनसे भीड़ गया तो कहानी उनका बंद हो गया। चिराग पासवान का कोई कहानी बनने वाला नहीं, पार्टी ये टूट गया, सब कुछ हो गया था, कुछ नहीं। लगातार तेजस्वी सरकार पे घेर रहे हैं, शिक्षक को दारू खोजने में लगाया जा रहा है, इस तरह का बात आ रही है। अरे शिक्षक को डोज दिया, शिक्षक घर में पढ़ाने के लिए जाता है, उनको जानकारी है तो दे दिया, मसाला आइटम दे दिया, कहाँ मास्टर खोजते फिरेगा दारू। वो विद्यालय में पढ़ाएंगे या फिर गांव में जाएंगे, जेबे नहीं करेगा, वो कहाँ जाएगा, वो पढ़ाएगा लिखाएगा बच्चे को, तेल नमक मिर्चाई लगा के। जी कब चलेगा टीवी पर देखिएगा। जी सर बिल्कुल, टीवी बोले सर कहाँ जो टीवी चलने जाने बोले सरकार हमारी। बम ब्लास्ट होने के बाद सर प्रशासन एक्टिव होती है, अगर इससे पहले अगर एक्टिव रहती तो ये नहीं। प्रशासन हर वक्त एक्टिव रहता है जी। नहीं अभी 10 बजे 11 बजे बैठे हुए हैं, कितना बज रहा है जी सर, बाल बच्चा है कि नहीं, तो एक्टिव नहीं तो कहीं फोन होता है तुरंत जाते हैं पकड़ते हैं धकड़ते हैं दारू को पकड़ते हैं। ये भागलपुर में ये एक क्या कहा जाए इंडिका गाड़ी पकड़ा गया दारू मेरे सामने में पकड़ा 0 माइल थाना, तो पकड़ ही रहा है, भागने दे रहा है थोड़ो, सब विरोध क्राइम पर तो काबू करने के लिए तैयार है। अब मन ही बदल गया है मनुष्य का, क्या कीजिएगा, तब जान जाता है आता है वो सजा यहाँ होते। कल चिराग पासवान आया बोला कि सरकार टिकने वाली नहीं है, बीजेपी जो है इसको धक्का मार के निकाल लेगा। चिराग पासवान मानसिक रूप से बच्चे हैं, वो रामविलास पासवान के बेटे थे, उनको चाहिए था नीतीश कुमार से टकराना। उन्हें नीतीश कुमार को कहता चाचा आपको प्रणाम करते हैं, हमारे पिताजी मर गए, आप हमारे चाचा हैं, राजनीति गुरुजी बनिए, हमको कैसे आगे ले चलिएगा, ये काम कीजिए, ये करना चाहिए। तो भीड़ गया आला कमान से, नीतीश कुमार से कम आदमी है क्या, तो उनसे भीड़ गया तो कहानी उनका बंद हो गया। चिराग पासवान का कोई कहानी बनने वाला नहीं है, पार्टी ये टूट गया, सब कुछ हो गया था, कुछ बनेगा।